आज हमने वार्ड 53 में अनेक जैन निस्वार्थ सेवा केंद्र में ये आधार कार्ड का कैंप लगवाया है। अभी हमारी ये है कि ये कंटिन्यू हम रखेंगे, अभी इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है टाइम की कि कितने दिन के लिए ये लगेगा, अभी रहेगा, ये परमानेंट की कोशिश है। क्या लगता है कितने लोग अभी वंचित हैं? तो सर ऐसा है, हमने समय समय पर आधार कार्ड कैंप हम लगवाते रहते हैं, 5 दिन 10 दिन, उसमें बहुत मतलब भीड़ रहती है। उसके बाद जैसे हमारे को SDM ऑफिस से 10 दिन की 5 दिन की परमिशन मिलती है, लेकिन लोग कंटिन्यू हमारे पास आते रहते हैं कि आधार कार्ड में हमने किसी ने नंबर अपडेट कराना है, किसी की फोटो अपलोड होनी है, किसी का एड्रेस चेंज होना है, तो उसी को देखते हुए लोग परेशान होते हैं। आसपास कोई सेंटर भी नहीं है, तो हमारी DM साहिबा से बात हुई थी तो उन्होंने हमारे को बोला कि अभी आप लगाओ, इसको कंटिन्यू रखो, ये सब समस्याएं हैं। सर काम करना बहुत, देखो हमारे को पहले भी दिक्कत नहीं थी, वार्ड 53 जो है यहाँ पे जितना भी स्टाफ था MCD का पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और आज भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से कुछ बेटर जो है इसमें। अब जो है पहले जैसे केजरीवाल जी का इसके अंदर रोल रहता था, अब केजरीवाल जी का इसमें रोल नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रल का हमारी मोदी सरकार का इसके अंदर रोल है, तो हमारे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। फंड की दिक्कत रहती थी, आज देखोगे तो आप कर्मचारियों को जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में 2-3 महीने में प्रॉब्लम दूर हो रही है, उनकी सैलरी टाइम पे आ रही है, आप देख सकते हो क्षेत्रों में कि कितना विकास हो रहा है। सर देखो कुछ लोगों ने जो है ना, जहाँ पे मान लो आपको 10 अलॉट कर रखे हैं, आप वहां पे वो चीज देखो 20-25 उन्होंने ही लगवा रखी है, वो भी हमारे लिए ही सहूलियत है। बहुत ज्यादा घेराव हो गया, ट्रैफिक कट आप देख सकते हो, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इसलिए सर उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जो जिन पे लाइसेंस है वो वहां पे उनको कोई छेड़ नहीं रहा, जो विदाउट लाइसेंस वाले हैं उनको वहां अवैध जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनको छेड़ कार्रवाई हो रही है। इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी सरकार की और हमारे दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इनकी जो है मेहनत रंग लाई। हमने पहले दिन से इसका जो है विरोध करा और ये लाई, और अब इसको जो है जहां तक है अब ये दिल्ली में नहीं चालू होगी। आपने देखा होगा कितने लोगों रोडों पे इस विनाशकारी नीति से लोगों के यहाँ एक्सीडेंट हुए, रोडों पे कितने घर बर्बाद हुए, ये आपने देखा ही होगा, आप लोग सब घूमते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, कितनी जगह जो है हमने देखा, हमारे सेक्टर 4 में देखो आप रोड पे, आप देखते हैं यहाँ पे रोज क्या ड्रामा होता है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कितने घर बर्बाद हुए हैं इसमें। हाँ जी, आप देखो सर कितना बढ़िया, मतलब जो है ना नगर निगम द्वारा जो है आज आप देखोगे आप कितनी स्वच्छता जो है, 75वां हमारा आजादी महोत्सव बन रहा है और सफाई अभियान जो है मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ सर, जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। देखो सर कोशिश तो मेरी ये है कि मैं हमेशा ही उनके जैसा करूं, बनूं और सोचूं। अब कर तो मैं 7 जन्मों भी उनके जैसा नहीं सकता, लेकिन मेरे जीवन में प्रयास हमेशा यही रहेगा, हमेशा उनके जैसा करूं, उनके जैसा सोचूं और उनके जैसा बनूं। निस्वार्थ भाव से सेवा, मैंने जो ये ऑफिस बना है इसका नाम भी यही रखा है। हमेशा पहले दिन से बचपन से हमने उनसे सुना है, जो भी अपने जीवन में करो निस्वार्थ भाव से करो, कोई लालच या किसी तरह का आपके मन में वो नहीं होना चाहिए, तो हमने इसका नाम भी वही रखा है, अनेश जैन निस्वार्थ सेवा के। आज हमने ये कैंप लगाया, मेरे ख्याल से 70-80 आदमियों ने सुबह से यहाँ पे आके अपना जो भी उनकी अपडेट था कराया, पूरा हमारा वार्ड 53 परिवार यहाँ पे आज इसको संभाल रहा है, तो ये निस्वार्थ सेवा ही है ना, आज आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो जनता से संपर्क मेरा ऐसा है, मैं डेली जो है एरिया के अंदर, हमारे 54 पॉकेट हैं, 3-4 पॉकेट में मैं डेली जाता हूँ, पर्सनली जाता हूँ डेली, और जनता से संपर्क किया है मैंने 24, आप मेरा एक कार्ड देखोगे उस पर भी मैंने लिखा हुआ 24x7, मेरे को जहां जो 3-4 पॉकेट में तो मैं अपना पर्सनली जाता हूँ, उसके बाद जहां से मुझे जो कॉल आ जाए, जो काम है मैं वहां जाता हूँ। आप ये देख सकते हो मेरा कार्ड भी है 24x7।
और बराबर हमारे पॉकेट के दौरे रहते हैं, काम भी मैं चेक करता हूं। अभी आपने देखा होगा हमारे को जो है निगम पार्षदों को दोबारा पावर दी गई है कि निगम अधिकारी पार्षद का किसी काम को कोई मना नहीं कर सकती, जो भी काम है। तो उसके बाद भी लोग हमारे से संपर्क में हैं और हम भी लोगों के संपर्क में हैं।